वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द आईटी ग्रुप माई सेल्फ यूम। और आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा दोस्तों टाइमलाइन के फीचर के बारे में, मींस टाइमलाइन में हम काम कैसे करें और अगर हमारी मीडिया कोई इम्पोर्ट है टाइमलाइन के अंदर तो उसके अंदर हम कैसे एडिटिंग करें, स्प्लिट और मर्ज वगैरह कैसे करें। तो आइए चलते देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे सामने काइन मास्टर के टाइमलाइन पैनल में दोस्तों कुछ यहाँ पे मीडिया क्लिप्स ऑलरेडी इम्पोर्ट हैं, तो हम जानेंगे टाइमलाइन पैनल में इन मीडिया क्लिप्स पे काम कैसे किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था आपको कि किसी भी आप मीडिया क्लिप पे टच करेंगे तो यहाँ पे उसके जो ऑप्शंस हैं वो इनेबल हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे मैं टाइमलाइन के आपको फीचर के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अभी अगर हमें इस क्लिप को मैंने क्लिक कर रखा है, अब हमें क्या करना है कि अगर हमें इसे करना है ट्रिम, तो अब हमें करना है अगर इसे ट्रिम तो एक ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएगा जो कि आपको यहाँ पे फीचर पैनल में है। और या फिर आप कर सकते हैं सिंपली दोस्तों, यहाँ से आप स्टार्टिंग पॉइंट से देखिए, यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे ऊपर जो है आपका स्टार्ट ट्रिम आ जाएगा। तो आप यहाँ पे जितने सेकंड से आप ट्रिम करना चाहते हैं, मीन्स यहाँ पे देखिए जो टोटल ड्यूरेशन है वो घटती जा रही है और फिर ये जो ट्रिमिंग का जो यहाँ पे ड्यूरेशन है वो आपकी यहाँ पे दिखा रहा है। तो हम यहाँ पे काट देते हैं इसको, तीन यहाँ पे कर लेते हैं सही से एडजस्ट, और यहाँ पे मैं 3 सेकंड पे इसको ले लेता हूँ। और यहाँ से भी मैं इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट में क्लिक करके टच करके और यहाँ पे भी इसको हम एंड से यहाँ पे 3 सेकंड जो है वो हम काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस 3 सेकंड को काट दिया। अब ये जो टोटल ड्यूरेशन इसकी 7 सेकंड हो गई वीडियो की। ऐसे हम किसी भी उस पर टच करेंगे किसी भी मीडिया कंटेंट पे, तो यहाँ पे हम सिंपली ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे हम काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे ऐसे हम किसी भी मीडिया पे क्लिक टच करेंगे तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करके दोस्तों हम किसी भी मीडिया कंटेंट का को ट्रिम कर सकते हैं, ठीक। तो ये अच्छा फीचर है दोस्तों। और ऐसे यहाँ पे देखिए बीच में आपको सेंटर में दिखाए गए हैं, तो ये आपके होते हैं ट्रांजिशन के इफेक्ट, ठीक। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए, इन जब दो मीडिया के बीच में कोई दोस्तों एक इफेक्ट होता है जो किसी अगले मीडिया कंटेंट्स को दिखाता है, वो हमारा ट्रांजिशन होता है, ठीक। यहाँ पे हमारे सामने बहुत से ट्रांजिशन जो है वो अवेलेबल हैं ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट। तो हम यहाँ पे जैसे ले लेते हैं 3D ट्रांजिशन, तो यहाँ पे बहुत सारे 3D ट्रांजिशन वगैरह हैं जो हम अप्लाई करके और इस पे हम काम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैसे यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो ऐसे यहाँ पे आप ट्रांजिशन पे भी वर्क कर सकते हैं। तो ये टाइमलाइन हो गया दोस्तों। इसके नीचे आपका ऑडियो है, अब ऑडियो को भी आप सेम ऐसे ही ट्रिम कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो आप ऐसे ही इसको ट्रिम कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑडियो बहुत लंबी है तो इसलिए मैं आ जाता हूँ बैक और मैं यहाँ पे करता हूँ क्लिक और यहाँ पे इसको कर लेते हैं ट्रिम, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम ट्रिम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे स्प्लिट का फीचर यूज़ करेंगे, ठीक। अब स्प्लिट दोस्तों क्या करता है कि उस जो भी हम कंटेंट ट्रिम करते हैं दोस्तों वो बीच में स्प्लिट मतलब अलग अलग कर देता है, लेकिन जो भी मीडिया कंटेंट है उनको हटाता नहीं है, ठीक। तो हम इसे किसी भी अदर चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अब हमें इसको देना है हटा, ठीक है। तो अब हमें इसे हटा दिए तो यहाँ पे देखिए हमारी जो वीडियो है वो भी एकदम ट्रिम हो गई, ठीक। तो हमारा सामने कुछ ये जो टाइमलाइन के फीचर थे ट्रिम हो गई। अब यहाँ पे जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये टाइमलाइन हमारी एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक। एक्सपेंड जब होगी तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जितने भी वर्क करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपके नीचे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे चीज़ें हैं, फिर हम वापस आ जाते हैं इसमें और फिर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये था टाइमलाइन के फीचर्स। अब दोस्तों की काइन मास्टर में दोस्तों टाइमलाइन फीचर के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी और टाइमलाइन फीचर काइन मास्टर वीडियो एडिटर के अंदर कैसे वर्क करता है इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।